भाजपा के एससी मोर्चा की तरफ से प्रदेश में हो रही लगातार दलितों पर अत्याचार को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, जिसे लेकर उन्होंने बताया कि सबसे प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है, जब से तब से दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। अपराधियों में भय का कोई भी चीज नहीं है। सरकार में ऐसे अपराध हो रहे हैं जिनके बारे में सोचकर भी डर लगता है। इसी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और उसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व जिला नेतृत्व के निर्देशानुसार बाड़मेर में इस कांग्रेस की गहलोत सरकार इस निकम्मे कार्यकाल में बाड़मेर के बालोतरा में एक शाकुर खान नाम के एक व्यक्ति विशेष ने एक दलित महिला युवती के साथ में बलात्कार किया, फिर उसे थिनर डाल करके जला दिया गया। यही नहीं, पराकाष्ठा की बात अगर देखें तो कम से कम पाँच दिन में 5 ऐसे काम निंदनीय कार्य किए गए इस गहलोत सरकार में। धौलपुर की अगर हम घटना को देखें तो धौलपुर में एक दलित युवती के साथ में बलात्कार, दलित महिला के साथ में बलात्कार, उसके बच्चों की और उसके पति के सामने उसको बंधक बना करके उनके साथ में उसके साथ में बलात्कार किया गया है, उसको मारा है, प्रताड़ित किया है। उसके बाद में अगर हम पाली के पाली तहसील की भी घटना को याद करें तो वहाँ भी ऐसा ही एक कृत्य सामने देखने आया है। चूरू जिले में 11 वर्षीय बालक को होली के दिन क्रिकेट के बल्ले से पीट पीट करके मार डाला गया है। ऐसी कृत्य किए जा रहे हैं, ऐसे दलित उत्पीड़न, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। और जो एक रेटिंग आई है जिसमें राजस्थान प्रदेश में महिला उत्पीड़न में और दलित उत्पीड़न में नंबर 1 आया है, उसी के खिलाफ आज पूरे राजस्थान में प्रत्येक 38 जिले में आज ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता और दलित मोर्चे के हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यकर्ता आज हम राज्यपाल महोदय को कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन देने आए हैं। पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा क्षेत्र के अंदर घटित हुई दलित महिला के साथ दुष्कर्म की घटना और उसके बाद में थिनर जलाकर उसे जिंदा जला देने की घटना अंदर तक सबको झकझोर कर रख देती है। दलितों पर राजस्थान के अंदर अत्याचारों की ये श्रृंखला यहीं खत्म नहीं होती। चाहे धौलपुर का घटनाक्रम ले लें आप, चाहे चूरू का घटनाक्रम ले लें। धौलपुर में हाल ही में एक महिला को उसके पति और बच्चों के सामने बलात्कार किया गया। कितनी निंदनीय है ये घटनाएं। इस तरीके का माहौल कभी भी राजस्थान के अंदर नहीं था। राजस्थान की निकम्मी नकारा गहलोत सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की जद के अंदर पूरे लॉ एंड ऑर्डर का सत्यानाश किए हुए है और इस सरकार ने महिला सुरक्षा के नाम पर कोई भी काम नहीं किया है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक विधानसभा पर, प्रत्येक हेडक्वार्टर के ऊपर राज्यपाल के नाम पर ये ज्ञापन दे रही है और राजस्थान की सरकार को एक आईना दिखाने का काम कर रही है कि अगर आप नहीं देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जनता के हितों की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर आएगी। इस मामले के अंदर सबसे शर्मनाक पक्ष ये रहा कि वहां पर उस महिला के परिवार के द्वारा जो FIR दर्ज कराई जा रही थी वो प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के दिल्ली से मल्होत्रा पहुंच जाने के बाद में वहां पर FIR दर्ज होती है और जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां शास्त्री नगर अस्पताल पहुंचे थे तब तक पीड़िता की मृत्यु हो चुकी थी। ये इस सरकार का एकदम संवेदनहीन चेहरा हम सबके सामने खोल कर रखती है। ऐसी घटनाओं के लिए इस सरकार की जितनी निंदा की जाए कम है। को लेकर के प्रदर्शन किए गए, ज्ञापन दिए गए राज्यपाल महोदय के नाम। प्रदेश में निरंतर जघन्य घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बाड़मेर की घटना हो, चाहे वो धौलपुर की घटना हो, चाहे वो पाली की घटना हो। निश्चित रूप से सरकार दबाने का प्रयत्न करती है इस तरह की घटनाओं को और एक अल्पसंख्यक लोगों को बाहरी प्रोत्साहन तुष्टिकरण ये सरकार कर रही है। निश्चित रूप से निंदनीय है और सरकार के खिलाफ SC मोर्चा सड़कों पर उतरेगा और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में